अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। मैक्सिमम बिजनेस ओनर ये गलतियाँ करते हैं और इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए उनके बिजनेस की जो ग्रोथ होनी चाहिए ओवर टाइम वो उनको मिल भी नहीं पाती है। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स एवरी बिजनेस ओनर शुड डू फॉर बिजनेस ग्रोथ। सो इसमें जो नंबर वन है वो है कि आपके पास यू शुड हैव ग्रेट वेबसाइट, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी ऑडियंस है जो हर चीज़ को मोबाइल पे देख रही है, इंटरनेट पे देख रही है, और वो चाहते हैं किसी भी बिजनेस ओनर को फाइनलाइज करने से पहले या फिर किसी की सर्विस लेने से पहले वो उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को, उनकी वारंटी गारंटी तमाम और जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको चेक करें। तो अगर आपके पास आज एक वेबसाइट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मिस कर रहे हो। सो ये नंबर वन है। एक अच्छी साइट होनी चाहिए जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, जो आप उसमें वो चेंजेस कर पाओ खुद से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सीमेस आप यूज करो जिसमें मेकिंग चेंजेस शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, आप इजिली चेंजेस कर पाओ, आप ब्लॉगिंग करो, उसमें सारे वो फंक्शन होने चाहिए जो आपको लगता है कि मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, बी ऑन प्लेटफॉर्म्स वेयर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स आर, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको जहां पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंसल्टेंट हैं तो आपको यूट्यूब जरूर फोकस करना है। आप बी टू बी फोकस कर रहे हो देन यू शुड यूज लिंक्डइन फॉर श्योर। आप बी टू सी पे फोकस कर रहे हैं या फिर किसी तरह का आपका नॉर्मल बिजनेस है तो फेसबुक ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेस के लिए यूजफुल है, वो आपको यूज करना है। तो आपकी ऑडियंस जहाँ पे है आप वहाँ पे वो कंटेंट शेयर करो, आप उनसे इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करो, उनको एजुकेट करो जिससे कि आपकी वहाँ पे एक कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो और लोग आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करें और आपको वहां से लीड्स और सेल्स जो भी आप चाहते हो वो मिल पाए। नंबर थ्री, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीड फ्लो। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको लीड्स चाहिए होती हैं, आपको नए क्लाइंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपका बिजनेस बहुत नया है, यू जस्ट स्टार्टेड योर बिजनेस एंड यू डोंट हैव एनी ऑनलाइन प्रेजेंस, तो आपको स्टार्टिंग में बिजनेस को जल्दी बढ़ाने के लिए यू शुड फोकस ऑन पेड मार्केटिंग। लाइक आप गूगल एड यूज कर सकते हो, फेसबुक एड यूज कर सकते हो। अगर आप बी टू बी वर्टिकल में हैं देन आपको लिंक्डइन यूज करना है। तो ये चीजें जब आप करेंगे आपको जल्दी से लीड्स मिलेंगी। एंड ऑर्गेनिक मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसईओ करना चाहते हो तो एसईओ भी करें, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्पफुल है। बट जल्दी से लीड लाने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंसल्टेंट हैं और आप चाहते हैं कि जब कोई टाइप करे मेरी कंसल्टिंग सर्विसेज को मेरी सिटी में, तो मेरा उनको मेरी साइट उनको दिखनी चाहिए, मेरा ऐड उनको दिखना चाहिए। आप गूगल ऐड से स्टार्ट करो बिकॉज यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अगर लोग वहां पर सर्च कर रहे हैं आपका रिजल्ट वहां पे है, दे विल चेक योर रिजल्ट एंड अगर उनको आपकी सर्विसेज आपके प्राइस सही लगते हैं देन दे विल ऑल्सो हायर यू। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि अगर आपके पास लीड्स आएंगी तब आप किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर पाएंगे, आप उसे ग्रो कर पाएंगे। नंबर फोर, रिड्यूस लीड कॉस्ट। मैक्सिमम बिजनेस ओनर इसको इग्नोर करते हैं या फिर उसको यूज नहीं करते हैं। आपको प्रॉपर रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग, फॉलोअप्स एंड अगर आपके बिजनेस में कोई रिफरल प्रोग्राम है आप वो चीजें यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जिम चलाते हो और आपने जो आपके कैंडिडेट्स हैं जो आपके यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए जिम के लिए, आप उनको बोल सकते हैं अगर वो किसी को रिफर करते हैं देन दे विल गेट 10% डिस्काउंट, तो शायद वो 10% डिस्काउंट भी उनको मिलेगा और साथ में वो आपको किसी को रिफर करेंगे जो आप पे ज्यादा भरोसा करेगा बिकॉज उसका जानने वाला आपके साथ पहले से जुड़ा हुआ है। तो आपके बिजनेस में जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस रिफरल प्रोग्राम, कि आप उसमें किस तरह के रिफरल प्रोग्राम ला सकते हो जिससे कि लोग आपको आपके बिजनेस को रिफर करें एंड दे ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ कमीशन और जो भी आप उसको एडवांटेज देना चाह रहे हो वो उनको मिले। साथ में रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग ये दोनों थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, हमने इसका वीडियो बनाया है आप एक बार देख सकते हैं। रीटारगेटिंग का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल गूगल ऐड चला रहे हो, आप फेसबुक ऐड चला रहे हो, लोग आपकी साइट पर आ रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक आपकी साइट पर लोग आ रहे हैं उनको आप रीटारगेट करो, आपके ऐड उनको दोबारा दिखे, वो है रीटारगेटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब है इफ यू हैव देयर ईमेल डेटा, इफ यू हैव प्रोफाइल ऑफ योर कस्टमर, आप उनको कोई अपने एडिशनल ऑफर है जो आपके कस्टमर पहले से है जो आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं आप उनको ईमेल के थ्रू टारगेट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो या फिर आप उनकी कस्टमर लिस्ट अपलोड कर सकते हो। आज गूगल फेसबुक दोनों ही ऑप्शन देते हैं आपको, आप अपने कस्टमर लिस्ट को अपलोड करके उनको आप रीमार्केट कर सकते हो।
तो जब वो आपके ऐड को दोबारा देखेंगे, आपने देखा होगा किसी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, आप उनकी साइट पर जाते हो, आपने उनकी साइट बंद कर दी, आप फेसबुक पे गए या फिर आप यूट्यूब पे गए, आपको सिमिलर ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी प्रोडक्ट के ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो आपको रिटारगेट कर रहे हैं, वो आपको रीमार्केट करना, आपको रिटारगेट कर रहे हैं उनके एड्स, दे आर चेजिंग यू, कि अगर आपको चीज चाहिए हो आप दोबारा उनके पास आए और वो जो भी उनकी प्रोडक्ट है उसको परचेज करें। इसमें एक है मेक अ रिकरिंग मॉडल टू गेट मोर सेल्स एंड क्लाइंट्स। आपका बिजनेस चाहे जितना ओल्ड हो, इफ यू डोंट हैव रिकरिंग पेमेंट्स तो वो बिजनेस किसी भी दिन डाउन हो सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सी मेंबरशिप साइट्स होती है जिनमें आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी उनका मेंबरशिप होगा वो उनको आप पे करते हो उनकी सर्विस को, उनके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। अब सपोज अगर उनके पास ऐसे 1,000, 2,000 या फिर 5,000 कस्टमर होंगे जो उनको मंथली बेसिस पे अमाउंट पे कर रहे हैं उनकी मेंबरशिप फीस, तो आप खुद सोचिए उनके पास एक श्योरिटी होती है, लाइक आफ्टर 30 डेज आई एम गोइंग टू गेट दिस अमाउंट बिकॉज आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, आई हैव सो मेनी मेंबर्स जो मुझे अगले महीने पेमेंट देने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर आपका भी कोई रिकरिंग मॉडल पे प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है तो आपको भी श्योरिटी होती है कि हाँ मुझे इतने लोग पैसा देने वाले हैं, सो आई विल गेट सम अमाउंट और अपने बिजनेस को रन करने के लिए, फिर ग्रो करने के लिए मेरे पास वो अमाउंट होगी। तो आप भी देखें कि आपके बिजनेस में कोई रिकरिंग मॉडल है जो आप ला सकते हैं और ज्यादा क्लाइंट्स बना सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग, अभी जो सीआरएम की हम बात करने वाले हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की अगर हम बात करें तो 80% लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं। आप आज के टाइम पे बहुत से फ्री सीआरएम भी हैं, एग्जाम्पल के लिए आप सेंड इन ब्लू देख सकते हो, सेंड इन ब्लू गूगल पर टाइप करना, उनकी सर्विसेज को देखो और आप देखेंगे कि वहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कस्टमर जो भी लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आप उनकी आप डेटा को उनको अपडेट करो, वहां पे उनसे क्या डिस्कशन हो रहा है, कब उनको आपको कॉल करना है, कब आप उनसे फॉलो अप लेने वाले हो, ये चीजें आप वहां मेंटेन कर सकते हो। साथ में अगर आपका कोई ऑफर है, डिस्काउंट है, आप उनको मेल के जरिए बता भी सकते हो। तो सीआरएम इज समथिंग जो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जब बिजनेस करते हो आप हर दिन कुछ लोगों से बात करते हो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या फिर जो आपकी सर्विस को लेना चाह रहे थे या उन्होंने आपकी सर्विस को लिया सपोज। अब अगर हर दिन 2-4 लोग ऐसे हैं, महीने में 100 लोग हो गए, एक साल में 1,000 के ऊपर लोग हो गए, और अगर आप वो बिजनेस 5 साल से कर रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, आपके पास कोई सीआरएम टूल नहीं है, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल कि 2 साल पहले किससे क्या बात हुई थी, उसने मेरी कौन सी सर्विस ली थी, और अगर मेरा कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, कोई मैं कूपन दे रहा हूँ तो उनको मैं इसको इन्फॉर्म करूँ, शायद जिसने आज से 2 साल पहले मेरी सर्विस को लिया है हो सकता है वो आज भी मेरी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, सर्विस में इंटरेस्टेड हो या उनको कोई जरूरत हो। अगर वो डिस्काउंट देखेंगे, कूपन देखेंगे, ऑफर देखेंगे तो शायद वो आपके फेवर में आपकी साइट पर आके, आपके स्टोर पर आके वो चीजें परचेज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर वहां पर बना हुआ है। तो सीआरएम आपको जरूर यूज करना है और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी हम फ्यूचर वीडियोस बनाएंगे। अभी एक ऐसा वीडियो है जो ओवरऑल आपको बता रहा है कि आपको क्या चीजें करनी है जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ईमेल मार्केटिंग टू रीच न्यू लीड्स एंड टू सेंड ऑफर टू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा बहुत से ईमेल मार्केटिंग टूल हैं, ईमेल ऑटोमेशन भी आज के टाइम पे काफी पॉपुलर है। तो अगर आपके पास ऐसे 1,000 लोगों का डेटा है जो आपकी सर्विस को ले चुके हैं, या फिर आपके पास आप पेड एड रन कर रहे हो, आपके पास 50-100 लीड्स आती हैं पर मंथ, तो आपके पास काफी अच्छा डेटाबेस बन गया है, तो आप उनको भी अपने लेटेस्ट ऑफर, डिस्काउंट्स या फिर जो आपके केस स्टडीज हैं उनको आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए बता सकते हो, जिससे कि वो आपके बिजनेस पे और भरोसा करें। और जो ऑफर्स हैं, डिस्काउंट हैं, इवन आपको अगर अपने ऑडियंस को एजुकेट करना है, आपने न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बना रखी है एक, आप उनको मंथली वीकली बेसिस पे वो टिप्स दीजिए जो उनको चाहिए आपके बिजनेस से, जिससे कि वो और अवेयर हो और जब उनको वो सर्विस चाहिए होगी देन दे विल बी एबल टू रिकॉल योर बिजनेस नेम कि हाँ मुझे इस बिजनेस के नेम से मेल्स आती हैं और उन्होंने चीजें बताई थी और आज मुझे चीज चाहिए, देन आई कैन कॉन्टेक्ट दिस बिजनेस ओनर। तो ये आपको यूज जरूर करना है। आज के टाइम पे जब हर इंसान ईमेल यूज कर रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो आपको भी यूटिलाइज करना है इन प्लेटफॉर्म्स को अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी एंड उनका जो प्रोडक्ट है। अगर आपके कॉम्पिटिटर मान लो फॉर एग्जाम्पल
एक मूविंग कंपनी है, तो आप देखो कि वो मूविंग जब करते हैं उसमें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लोग उनको बोल रहे हैं उनका प्राइस ज्यादा है, या फिर वो सामान टूट गया है, वो सही से रैप नहीं करते हैं सामान को, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, वो बहुत डिले करते हैं उनका। तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आप देखो कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, इनके प्रोडक्ट की क्या अच्छाई है, इनकी सर्विस की क्या बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेज है, वो चीजें ध्यान में रख के आप अपने एक्शन प्लान बनाओ कि मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस मेरे कॉम्पिटिटर से अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, जिससे कि लोग मुझे भरोसा करें और लोग मेरे पास आए। अभी जो अगला हमारा पॉइंट है, लेट मी चेंज द स्लाइड। सो इसमें ये सेकंड स्लाइड है सेम, तो इसमें जो नंबर वन पॉइंट है, यूज टूल्स टू मेजर प्रोग्रेस लाइक एनालिटिक्स, कॉल ट्रैकिंग, मतलब आपकी साइट पे यूजर क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या गोल वो कंप्लीट कर रहा है, वो चीजें आपको ट्रैक करनी है। आप कोई कॉल ट्रैकिंग, फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छी सेल्स टीम है, आप कॉल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, जिससे कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आप सुन पाओ कि आपकी टीम आपके क्लाइंट से किस तरह से बात कर रही है। साथ में अभी हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक टूल आया है जो आपको सेशन रिकॉर्डिंग भी दिखाता है एंड वो फ्री है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपने साइट पे कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो आपकी जो ऑडियंस, आपके जो विजिटर आपकी साइट पर आते हैं, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस सेक्शन पर जा रहे हैं, कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, किन चीजों पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू मेक चेंजेस ऑन योर वेबसाइट टू गेट बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज टूल्स दैट कैन डू ऑटोमेटेड टास्क एंड इट विल अलाउ यू टू हैव मोर फ्री टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेनर हैं या फिर आपका कोई सपोज एजुकेशनल कोर्स है और आप चाहते हो कि जब यूजर रजिस्टर करे मेरे कोर्स में उसको पहले दिन पहला चैप्टर जाए, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर जाए, तीसरे दिन तीसरे चैप्टर का लिंक चला जाए। अब अगर ऐसे हजारों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं एंड आपको मैनुअल जाके भेज रहे हो चीजें, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो आप जिस इंडस्ट्री में हो, ट्राई टू फाइंड आउट सम टूल्स जो ऑटोमेटेड टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे अभी ने बताया था, अगर आपके पास मान लो सपोज 100 स्टूडेंट हैं, कोई आज ज्वाइन कर रहा है, कोई 10 दिन बाद ज्वाइन कर रहा है, किसी ने 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो उनको जो उस दिन उनको कोर्स कंटेंट चाहिए या फिर जो उनको चैप्टर आपको मेल करना है, वो ऑटोमेटिकली जाए। तो ऐसे टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ईमेल ऑटोमेशन टूल है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव कैंपेन है, आप वो यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका वो काम मैनुअल ना हो कि ऑटोमेटेड तरीके से हो एंड आपको टाइम मिले। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप देखो कि ऐसे कौन से ऑटोमेटेड टूल्स हैं जिनका यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, साथ में चीजों को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइव चैट की। अगर आप एक वेबसाइट है आपके पास, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग लाइव चैट ऑन दैट साइट। सो अगर आपके साइट पर कोई विजिटर आता है एंड इफ दैट विजिटर हैज एनी क्वेरी, वो आपको डायरेक्टली वहां पे मैसेज भेजे, या फिर आपके जो चैट एग्जीक्यूटिव हैं उनसे प्रोएक्टिवली पूछे हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर उनको कोई कंफ्यूजन था सपोज प्राइसिंग में, या फिर आप कैसे काम करने वाले हैं, या फिर उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रिजल्ट, उनको डाउट्स होगा अगर कोई, तो वो वहां पे चैट इनिशिएट करेंगे और वहां पे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज लोग उन्हीं बिजनेस को हायर करना चाहते हैं जिनका सपोर्ट अच्छा होता है। तो ये चीज भी आप यूज करें। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर पे थोड़ा सा एडवांटेज देंगे, और वो छोटे छोटे एडवांटेज मिलके एक बहुत बड़ा रेशियो बन जाता है और आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लेट प्रोस्पेक्ट्स गो, ट्राई टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट बिकॉज इट मैटर्स इन लॉन्ग रन। सपोज आपके पास आपके पास विजिटर आ रहे हैं बट उनको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, कई बार आप उनको प्रपोजल नहीं भेज रहे हो, या फिर आपका प्राइस उनको ज्यादा लगा, आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, ऐसे कर करके आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को जाने दिया है, तो उससे आपके बिजनेस को आप देखोगे ना, आप अगर एक हफ्ते में 3-4 क्लाइंट को छोड़ रहे हो, महीने में आपने 10-15 क्लाइंट को छोड़ दिया, एक साल में आपने 150-200 क्लाइंट को छोड़ दिया, तो लॉन्ग रन में आपको बहुत नुकसान होगा। कोशिश करो कि आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए बट आप एक कस्टमर को एक्वायर कर पाओ, आपके साथ एक नया कस्टमर जुड़े, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो करोड़ों अरबों रुपए की मार्केटिंग करते हैं, वो भी अपने कस्टमर को कैशबैक देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर्स देते हैं, बिकॉज उनको पता है अगर ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फ्यूचर में मेरी और सर्विसेज लेंगे एंड आई कैन मेक सम प्रॉफिट। बिकॉज आप अगर 10-20-25 बहुत
5% प्रॉफिट के लिए आप उस कस्टमर को जाने दे रहे हो ना, सो ट्राई टू रिटेन दैट कस्टमर, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हो, वो पर्सन आपको आगे बहुत भी प्रॉफिट देने वाला है। सो छोटे छोटे चीजों के लिए क्लाइंट्स को आप मत जाने दो, आप कोशिश करो कि आप क्लाइंट को कन्वर्ट करो। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट टू मेक योर ऑडियंस अवेयर, इट विल बी फ्रूटफुल इन लॉन्ग रन और इन फ्यूचर। देखिए आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो आप लोगों को बताओ कि अगर आप टीथ क्लीन नहीं कराते हो तो क्या नुकसान है आपके, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको हेल्थ वाइज अगर आपके टीथ साफ नहीं है, क्लीन नहीं है। तो जब आप एजुकेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बताती है हाउ कैन यू यूज गूगल एड्स टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, आपको फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, बिकॉज दे वॉन्ट टू एजुकेट देयर कस्टमर्स और पोटेंशियल बायर्स, जिससे कि अगर उनको वो चीज चाहिए हो वो उनकी स्किल पे ट्रस्ट करके वो उनको हायर करें और उनके बिजनेस को ग्रोथ भी मिले, बिकॉज वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि फेसबुक उनके बिजनेस को या फिर गूगल एड उनके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है आपका आर्टिकल पढ़ के। तो आप भी अपने ऑडियंस को अवेयर करो, एंड जिस तरह हमने बताया था ना कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स आपकी ऑडियंस यूज कर रही है आप वहां पे रहो, तो वो कंटेंट वहां पे शेयर भी करो। अगला पॉइंट है यूज गूगल माई बिजनेस एंड इट्स फ्री। तो आपने देखा होगा जब आप कोई स्मॉल बिजनेस सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने होटल सर्च किया, रेस्टोरेंट सर्च किया, कार ड्राइविंग स्कूल सर्च किया, आपको लोकल रिजल्ट दिखते हैं मैप पे, तो आपको वो लिस्टिंग करनी है अपने बिजनेस के लिए भी, अगर आपका बिजनेस भी लोकल है क्लाइंट्स वहां पर आ सकते हैं, जिससे कि आपको वो एडवांटेज मिले और जो लोग वो चीजें सर्च कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास से था, उन्होंने सर्च किया, उनको आपकी लिस्टिंग दिखी मैप पे एंड उन्होंने रियलाइज किया कि आप 2 किलोमीटर दूर हो सिर्फ, तो वो जल्दी से आपके पास पहुंच सकते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वही फिर से बात है, अगर आप हफ्ते में ऐसे 1-2 लोगों को मिस कर रहे हो तो 1 साल में आप कई 100 लोगों को मिस कर दोगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग करें, फ्री है और उसका आपको एडवांटेज भी मिलेगा। बी एक्टिव ऑन क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स एंड ग्रुप फोरम्स। सपोज अगर आप क्वेश्चन आंसर साइट्स जो भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल रेडिट है, क्वेरा है, वहां पे अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, आप कोशिश करो कि वहां पे आंसर करो, लोगों को हेल्प करने की कोशिश करो, जिससे कि अगर उनको कोई जरूरत है और आपने वो आंसर सही किया है, वो आपको कांटेक्ट कर सकें कि आप ये चीज कर सकते हो, एंड इफ यू आर वेरी श्योर कि आप उनको हेल्प कर सकते हो तो वो आपको वहां पे हायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि आपका जो पहला गोल है वो होना चाहिए लोगों की हेल्प करने का, ना कि सिर्फ कस्टमर को कन्वर्ट करने का। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा बिजनेस नया है आप कैसे ग्रो करोगे, और आप सिर्फ आप उनको अगर बताओगे उनको वो सारे ड्रॉबैक्स, फॉर एग्जाम्पल SEO अच्छा है बट टाइम कंज्यूमिंग है, गूगल एड्स जल्दी रिजल्ट देगा बट थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, आप हर चीजों का उनको ड्रॉबैक बताओगे एडवांटेज बताओगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो आपको कंसिडर करेंगे फिर। तो जो पहला गोल है, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर साइट्स पे आप एक्टिव रहो, फोरम पे एक्टिव रहो, जो फेसबुक ग्रुप बने हो उस चीज के लिए आप उनपे एक्टिव रहो, लोगों की हेल्प करना चाहो आप, अगर उनको लगेगा कि आप उनको हेल्प कर सकते हो, उनको आपको और उनको जरूरत है आपकी, दे विल हायर यू। अब अगला पॉइंट है डोंट मेक देम सेटिस्फाइड ओनली, ऑफर एक्स्ट्रा हेल्प टू वॉव देम। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दुकान से जाके, सपोज एक सुपर मार्केट था या फिर कोई शॉप मान लो आप, आपने वहां पे 20,000 का सामान लिया और उसने 20,000 रुपए आपसे ले लिए, आपको 20,000 का सामान मिल गया, सो यू आर सेटिस्फाइड कि आपने 20,000 रुपए दिए, आपको 20,000 का सामान मिला, एवरीथिंग इज गुड और आप वहां से जा सकते हो। बट अगर वही शॉपकीपर या फिर जो जहां पे गए हो आप मॉल में सपोज, वो आपको कुछ ऑफर दे दे, कोई डिस्काउंट दे दे, या फिर कोई सपोज आपने देखा होगा छोटे शॉपकीपर भी कैलेंडर दे देते हैं, उनको पता है कि अगर आप 20,000 का सामान खरीद रहे हो आप उनके पास दोबारा भी आ सकते हो, सो दे विल ट्राई टू गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा, जो आपको लगेगा हाँ यार ये शॉपकीपर अच्छा है, ये मुझे थोड़ी वैल्यू दे रहा है, तो वो चीजें भी आप करो जिससे कि वो सेटिस्फाइड तो चलो अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा वो खुश होके जाए वहां से और वो दोबारा भी आपके पास आए। सो आप भी अपने कस्टमर को ऐसा कभी भी सरप्राइजिंग डिस्काउंट ऑफर ये सब दे सकते हो। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट प्रोडक्ट एंड मेनी बायर्स विल हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो। आपने नोटिस किया होगा एक रियल एस्टेट बिल्डर जो 1 करोड़ में घर बेचता है, वो अपने प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता है टीवी में मैक्सिमम टाइम पे, बट एक जो टॉफी बेच रहा है 1 रुपए की 2 रुपए की, वो भी ऐड करते हैं, क्यों? बिकॉज उनका प्रोडक्ट अच्छा है और साथ में उनके बायर्स करोड़ों में हैं।
छोटे बच्चे चॉकलेट्स खा रहे हैं, टॉफीज खा रहे हैं। सो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपके बायर बहुत ज्यादा हैं, तो आपको वो ग्रोथ मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है और बायर लिमिटेड है, जैसे रियल एस्टेट का बिल्डर है कोई, उन्होंने 10 मकान बनाए, भले एक मकान 1 करोड़ का बेच रहे हो, बट उनके बायर लिमिटेड हैं, तो वो उस लेवल पे ना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ना ही उस लेवल पे वो ग्रो कर पाएंगे फ्यूचर में। इसका कहने का मतलब ये है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट बिल्डर के पास, मतलब जो अच्छे बिल्डर है जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रेमिसेस है, तो दे कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, बट कहने का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो बाकी लोगों से बेटर है थोड़ा सा, और उसके बायर बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो चीज 10,000 में कर रहे हैं, एंड सम हाउ यू मैनेज टू ऑफर सेम सर्विसेज इन 8,000 रुपीज, तो आपको वो चीज का एडवांटेज मिलेगा, आपको ज्यादा सेल्स मिलेंगी, ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये चीज आप कोशिश करो कि जो आपके नंबर ऑफ बायर्स है ना वो बढ़े, प्रॉफिट थोड़ा कम हो स्टार्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ टाइम वैल्यू, वो मैटर करती है, देखो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो मैटर करती है, आपको चीज ध्यान रखनी है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं 2 मिनट में। अब अगला हमारा पॉइंट है, स्मॉल लॉस इज नॉट एक्चुअल लॉस इन मार्केटिंग। तो ये दोनों पॉइंट हम, पॉइंट नंबर दिस एंड दिस, ये दोनों हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पिज्जा शॉप ओपन की और वहां पे पहले से पिज्जा के आउटलेट्स थे, सो यू डिसाइडेड टू ऑफर सम डिस्काउंट। आपने उनको कहा कि पहले ऑर्डर पे आपको 50% हम ऑफ देंगे, बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू ट्राई योर पिज्जा, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें, अगर उनको अच्छा लगेगा वो दोबारा भी परचेज करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मान लो पहले महीने 100 क्लाइंट मिले और आपने सबको 100-100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो आप 10,000 रुपए नुकसान में गए, क्योंकि आपने 100 रुपए डिस्काउंट दिया, 100 लोगों को दिया 1 महीने में डिस्काउंट, तो 10,000 का आपको लॉस हुआ। तो ये क्या था, ये स्मॉल लॉस था आपको। अब यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू की हम बात करें, अब समझो आप इस चीज को, अगर वो सेम कस्टमर जिनको 100 लोगों को आपने पिज्जा दिया था डिस्काउंटेड रेट में, उसमें से 70-80 लोग आपके आसपास में नेबरहुड में रहते हैं, वो आपसे, उनको प्रोडक्ट सही लगा, प्राइस सही लगा, अब वो आपसे हर वीकेंड पे, हर गैदरिंग पे, कोई बर्थडे पार्टी हुई, कोई फंक्शन ओकेजन था, उन्होंने आपकी शॉप से पिज्जा ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया, कभी दो उन्होंने मंगाए फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, कभी 10 मंगाए, कभी 15 मंगाए, कभी 4 मंगाए। अगले कुछ महीने या फिर कुछ सालों में वो सेम 70-80 यूजर जो आपके पास रह रहे हैं आसपास में और आपसे पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपको लाखों रुपए का बिजनेस देने वाले हैं, और आपने उनको एक्वायर किया था 100 रुपए का डिस्काउंट देके सिर्फ। तो वो पहले महीने आपको 10,000 का नुकसान हुआ, बट आगे बिकॉज लाइफ टाइम वैल्यू, वो आपसे अगले कई सालों में कितनी सर्विस लेने वाले हैं जब तक वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, उस बेसिस पे आप काफी प्रॉफिट भी अर्न करने वाले हो। तो इसीलिए हमने लिखा है, डोंट मेक इंस्टेंट डिसीजन ऑन प्रॉफिट। आप थोड़ा बहुत जो लॉस होता है और आपको लगता है कि लाइफ टाइम वैल्यू है, ये आदमी मुझसे फ्यूचर में भी सामान या फिर मेरी सर्विस को यूज कर सकता है, आप मत डरो लॉस से, जो स्मॉल लॉस है वो होगा, बट फ्यूचर में आफ्टर फ्रॉम सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स। और वही हमने जो एग्जाम्पल दिया था, चाहे कोई बड़ा ब्रांड हो, आप देखो वो कैशबैक देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ऑफर देते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर आप उनकी सर्विस को यूज करोगे अगले कई साल तक आप उनको काफी पैसा देने वाले हो, इसलिए वो आपको 10-20%, 50% डिस्काउंट देने में पहली बार में झिझकते नहीं है। तो आपको भी चीज करनी चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है, चेक द वीक पॉइंट्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी डिस्कस अबाउट कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी क्या कमियां हैं, आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो जो गलती कर रहे हैं वो आप गलती ना करो, आपका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो और लोग देखें और वो रियलाइज करें कि हाँ आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस में प्रॉब्लम नहीं है जो आपके कॉम्पिटिटर की प्रॉब्लम सर्विस या प्रोडक्ट में थी। एक हम वीडियो और रिकॉर्ड करने वाले हैं, न्यू बिजनेस कैन डू बेटर देन ओल्ड बिजनेसेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज अभी क्या है, हर आदमी जो आपकी ऑडियंस है उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, गूगल वो यूज कर रहे हैं, वो यूट्यूब यूज कर रहे होंगे, तो आप भले ही एक ओल्ड बिजनेस है जिसकी एक गुडविल होगी आसपास 2-4-5 किलोमीटर में, बट अगर आप पूरी सिटी टारगेट कर रहे हो, यू कैन डू बेटर देन दैट ओल्ड बिजनेस इफ यू आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ईमेल मार्केटिंग की बात की, सीआरएम की बात की, लाइफ टाइम वैल्यू की बात की,
और तमाम चीजें हैं जो हम अगला वीडियो होगा हमारा, वो इस टॉपिक पे हम बना देंगे कि आपका जो न्यू बिजनेस है वो आप कैसे उसको अपने किसी ओल्ड बिजनेस से अच्छा परफॉर्म करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 5 कॉम्पिटिटर हैं जो उसी सिटी में हैं और आप चाहते हो जब कोई इनका नाम सर्च करे गूगल पे, अब बिकॉज वो कॉम्पिटिटर हैं, सपोज वो कार ड्राइविंग सिखाते हैं और आप भी कार ड्राइविंग सिखाते हो, कोई उनका नाम टाइप करे तो आपका एड दिख जाए लोगों को गूगल पे और आप उनको 10%, 20%, 30% डिस्काउंट दे दो। अब उसको तो कार सीखनी है, वो जानता है कि 3 से 4 हफ्ते में वो कार ड्राइविंग सीख जाएगा। अब आप उसको 30% डिस्काउंट दे रहे हो, दैट पर्सन विल ऑल्सो कंसिडर यू बिकॉज आप उसी एरिया में बेस्ड हो जहां पे आपका कॉम्पिटिटर था। वो नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर जगह आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो उस वीडियो में हम चीजें डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ ये था कि आप इन चीजों का यूज करके कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हो और वो कमियां जो बाकी लोग या फिर जो ओल्ड बिजनेस नहीं कर रहे हैं एंड वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज से ओवरकम करके अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल बना सको, ग्रो कर सको। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू कॉमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।